नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम के विद्यार्थी, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जिनका यहाँ पर देखो इंडियन वैल्यू सिस्टम है। अब देखो, मैं जब वीडियो बना रहा था तब तो फर्स्ट ईयर नॉन विद्यार्थियों का सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में किसी ने इंडियन वैल्यू सिस्टम अगर पेपर सेलेक्ट किया है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। रेगुलर का ध्यान रखें, 80 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, ये पेपर पैटर्न रहने वाला है और 40% आपके नंबर आने चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन बात करूँ यहाँ पर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के और 40% नंबर आपके आना चाहिए, यानी कि 20 नंबर आपको पास के लिए कम से कम आवश्यकता रहेगी। तो बात करते हैं यहाँ पर भैया इस पेपर के बारे में, इंडियन वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड। ये सिलेबस इसका है, 4 यूनिट आपको देखने को मिल रही हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ध्यान रखें, जो सीरीज़ में आपने देखे होंगे उस सीरीज़ को ही मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूँ, जो मोस्ट मुझे लगते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं फिलोसफी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ज्ञान का शोक, ध्यान रखें फिलोसफी का अर्थ होता है। धर्म शब्द का भारतीय दर्शन में क्या महत्व है, तो धार्मिक कर्तव्य इसका महत्व होता है। एक्सियोलॉजी से के साथ क्या संबंधित है, मूल्यों का वर्गीकरण इसके साथ में संबंधित है। भारतीय संदर्भ में दर्शाया गया दर्शन किस बात की महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ पर अस्तित्व की मौलिक प्रकृति का यहाँ पर बात होने वाली है। कौन सी हिंदू दर्शन परंपरा सत्य की पुरस्कृति पर जोर देती है, तो यहाँ पर वेदांत इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया, भारतीय दर्शन में धर्म की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर है भैया धार्मिक कर्तव्य और जिम्मेदारी। एक अगला क्वेश्चन है, वेदांता में सत्य की पुरस्कृति के रूप में कौन सा मूल्य है, तो यहाँ पर सत्य आंसर आएगा। भारतीय दर्शन में आत्मा शब्द का क्या महत्व है, व्यक्तिगत आत्मा, ध्यान रखिए इसका आंसर आएगा। भारतीय दर्शन में कर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आंसर है क्रिया और इसके परिणाम इसका अर्थ रहने वाला है, यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, वही इसका आंसर है। भारतीय मूल्य तंत्र में ग्लोबल हारमोनी में कैसे योगदान कर सकते हैं करता है, तो यहाँ पर सार्वभौमिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए इसका होता है। बात करें यहाँ पर भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, आधुनिक भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के लिए पारंपरिक नाम क्या है, वेद इसका आंसर आएगा। आधुनिक भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के लिए पारंपरिक नाम क्या है, तो वेद इसका आंसर है। वेदांत दर्शन के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य का नाम देखने को मिलता है। दर्शन शास्त्र के प्रमुख विषय क्या है भैया, तो यहाँ पर प्रमाण शास्त्र और तर्क इसका आंसर आएगा। और सांख्य दर्शन किसे अर्पित है, यहाँ पर कपिल को अर्पित है। भारतीय दर्शन में ददर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो यानी कर्तव्य और धर्म इसका आंसर रहने वाला है। दर्शन शास्त्र के लिए किस स्कूल को संस्थापक माना जाता है, तो बी इसका आंसर आएगा जैमिनी, ध्यान रखें। अब देखो भैया यहाँ पर पूरा वीडियो आपको एक ही वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडियन वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड, और आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो सेमेस्टर के और आपने सेलेक्ट किया हो इंडियन वैल्यू सिस्टम, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपना एग्जाम बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अहिंसा धार्मिकता के किस दार्शनिक पर केंद्रित है, तो यहाँ पर जैन धर्म पर है भैया। भगवद गीता किस भारतीय महाकाव्य का हिस्सा है, आंसर आएगा महाभारत। और भैया यहाँ पर है तत्व मसी तू वही है का सिद्धांत मुख्य रूप से किस में है, तो वेदांत में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, यहाँ पर गौतम बुद्ध आपको आंसर देखने को मिलेगा। नेति न यह न वह का अवधारणा किस दार्शनिक प्रणाली से जुड़ी हुई है, तो ये वेदांत से जुड़ी हुई है। कर्म का सिद्धांत मुख्य रूप से किस भारतीय दर्शन में प्रमुख है, वेदांत से ध्यान रखे ये प्रमुख है, वेदांत के लिए है। चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन है, यहाँ पर आंसर आएगा बृहस्पति। एक अगला क्वेश्चन है भैया, उपनिषद सिद्धांत जो सब कुछ ब्रह्म है उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर सर्वम खलविदम ब्रह्म, ध्यान रखे सर्वम खलविदम ब्रह्म इसका आंसर आएगा। भारतीय दर्शन की मौलिक भूमिका क्या है, यहाँ पर आएगा अंतर्मौलिक आधार। ये पेपर थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको ज्यादा इसमें देखने को मिलेंगे, पार्ट ही उसी का है, ध्यान रखें। भारतीय दर्शन का कौन सा धारा अंध प्रमाणवाद में तर्कशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करता है, आंसर आएगा न्याय। भारतीय दर्शन के संदर्भ में धर्म का क्या अर्थ है, धार्मिक जीवन और दायित्व, ध्यान रखें धर्म का यहाँ पर अर्थ रहता है। भारतीय दर्शन के इस पहलू को दिनचर्या और सांस्कृतिक प्रथाओं से गहरे रूप से जड़ा है, वो आएगा नैतिक आयाम, जो आपके डेली जो रूटीन है वो इसका आपको देखने को मिलेगा। आत्मा के अवधारणा में क्या केंद्रीय विषय है भारतीय दर्शन में, इसमें व्यक्तिगत आत्मा ध्यान रखे से रिलेटेड है। भारतीय दर्शन में नैतिकता की क्या भूमिका होती है, केंद्रीय भूमिका आपकी देखने को मिलती है। वेदीय दर्शन में क्रियाओं के परिणामों का नियामक क्या है, तो यहाँ पर आंसर आएगा कर्म। जीवन के सभी पहलुओं के अंतर्बद्धता को किससे जोड़ा जाता है, यहाँ पर आएगा रीता से जोड़ा जाता है ना, रीता के वेदीय सिद्धांत में सभी पहलुओं के अंतर्बद्धता की महत्वपूर्णता की गई है, तो आंसर आएगा बी, यहाँ पर आएगा प्रकृति। रीता में ब्रह्मांडीय क्रम के बीच क्या संबंध है भैया, रीता ब्रह्मांडीय क्रम है इसका आंसर है, रीता एक खुद ही एक ब्रह्मांडीय क्रम है। रीता के साथ मेल करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है, सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वैदिक संस्कृति में ऋण की अर्थशास्त्रीय अवधारणा क्या है, आंसर आएगा ऋण व कर्तव्य। वेदांत दर्शन में ऋतु को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऋतु ही कहा जाता है। ऋतु ऋण के सिद्धांत में पितृ ऋण को में क्या शामिल है, यहाँ पर पूर्वजों की पूजा यहाँ पर पितृ ऋण में शामिल होती है।
वेदांत दर्शन में ऋता उदाहरण के साथ कौन सा शब्द संबंधित है, तो ऋतु इसमें आंसर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आएगा वेदीय विचारधारा के अनुसार निस्वार्थ कर्तव्य और धर्म के साथ कौन सा शब्द समर्थित है, आंसर आएगा सी धर्म। और अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, वैदिक साहित्य में यज्ञ से संबंधित मुख्य नैतिक कर्तव्य क्या है, तो धर्म इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यज्ञों के दौरान जीवों को हानि से बचाने का कौन सा नैतिक सिद्धांत है, अहिंसा। यज्ञों के साथ कौन सा नैतिक सिद्धांत है जो आत्मनियंत्रण और तपस्या को बढ़ाने के लिए होता है, तो यहाँ पर तपस आपको देखने को मिलेगा। यज्ञों में किस पर्यावरणीय सिद्धांत को बल दिया जाता है, संरचना को यहाँ पर बल दिया जाता है। यज्ञों के दौरान दान में साझा करने की क्रियाओं के माध्यम से कौन सा नैतिक मूल्य प्रोत्साहित होता है, सी यानी दान आपको देखने को मिलेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, वेद संहिता में श्रेयस की अधिकतम महत्वपूर्णता क्या है, तो यहाँ पर आंसर आएगा परम आध्यात्मिक कल्याण, आंसर देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है वैदिक संदर्भ में प्रेयस का प्रमुख समर्थन क्या है, तत्काल भौतिक सुख आपको देखने को मिलेगा, तत्काल संतोष की जो प्राप्ति होती है इस प्रेयस के तहत आपको देखने को मिलती है। मुंडक उपनिषद के अनुसार वे लोग क्या होते हैं जो प्रेयस का मार्ग चुनते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा अज्ञान के जाल में फंसे होते हैं इसलिए वो ऐसा मार्ग चुनते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ भैया, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा श्रेयस से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन ही जो कि सिंपल से हैं, बाकी तो फिर घुमा फिरा के आएंगे। संस्कृत वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है भैया, दुनिया एक परिवार है, ध्यान रखिए इस तरीके से आंसर होता है। वसुधैव कुटुंबकम का मौलिक नैतिक सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर आंसर आएगा विश्व बंधुत्व है ना। वसुधैव कुटुंबकम के प्रति विविधता के संदर्भ में क्या प्रोत्साहित है, आंसर आएगा सहिष्णुता और समावेश। वसुधैव कुटुंब के अनुसार विश्व को कैसे माना जा सकता है, एक साझा परिवार के रूप में माना जा सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर देखने को मिल रहा है अगला, वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में कौन कौन सा सिद्धांत अनुष्ठान किया जाता है, तो यहाँ पर संघर्ष आंसर देखने को मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार विश्व के हित के लिए क्या आवश्यक है, तो भैया यहाँ पर वैशिष्ट्य आवश्यक है, वैशिष्ट्य है ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में व्यापक जगहों के लिए क्या माना जाता है, तो यहाँ पर संघर्ष माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम ने व्यक्तियों को पृथ्वी के प्रति कैसा दृष्टिकोण सिखाया है, यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम के कैसे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, यहाँ पर सहयोग और सामूहिक समर्थन के बारे में बातें हमेशा संदेश देखने को मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का व्यापक संदेश क्या है, यहाँ पर अभय एकता और अंतर जागरूकता का संदेश आपको देखने को मिलेगा। पुरुषार्थ शब्द का क्या मतलब है, व्यक्तिगत उद्देश्य आपका देखने को मिलेगा, इसका आंसर रहने वाला है। कौन कौन से पुरुषार्थ नैतिक व नैतिक सिद्धांतों पर केंद्रित है, धर्म इसमें आंसर आएगा। हिंदू दर्शन में अर्थ का क्या अर्थ है भैया, यहाँ पर आंसर आएगा सामग्री कल्याण। मोक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यहाँ पर आंसर है आध्यात्मिक ज्ञान। कौन कौन सा पुरुषार्थ इच्छाओं की पूर्ति और जिम्मेदारियों की पूर्ति पर केंद्रित होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अर्थ। हिंदू दर्शन में संसार शब्द का अर्थ क्या होता है भैया, संसार, ही आंसर इसको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपको देखने को मिलेगा, रथ की पहियों की उपमेय में चार पहिया क्या प्रतिष्ठित करती हैं, तो पुरुषार्थ प्रतिष्ठित करती हैं। मोक्षा के संदर्भ में आत्मान का क्या आर्थिक है भैया, तो यहाँ पर आएगा सच्ची आत्मा। मोक्षा के संदर्भ में गग संसार का क्या सूचित करता है, तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु का चक्र यहाँ सूचित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रथ की पहियों की तुलना में क्या यह क्या प्रतीत कराता है, तो लक्ष्यों की समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, धर्म का परम लक्ष्य क्या है, नैतिक और नैतिक आचरण आपको देखने को मिलेगा। हिंदू दर्शन में ब्राह्मण मोक्षा के संदर्भ में क्या प्रतिष्ठित करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा परम वास्तविकता। पुरुषा का शब्द पुरुषार्थ में क्या सूचित करता है, व्यक्तिगत आत्मा आपको देखने को मिलेगी। मोक्षा के हिंदू दर्शन में क्या महत्वपूर्ण है, संसार से मुक्ति महत्वपूर्ण है भैया। कौन कौन सा पुरुषार्थ आनंद और गुण के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, आंसर आएगा सी काम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वही रिपीट कर सकता हूँ, इसमें यहाँ कहूँ कि समझाने जैसा तो कुछ है नहीं भैया इतना, और हिस्ट्री ऐसा है कि उसमें जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट ही होते हैं, और जो रिपीट होते हैं पिछले पेपर्स में जहाँ पे पहले से सेमेस्टर था वहाँ से देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चंस, और अभी जो आपके सीरीज है उन्हीं में से आपको मैंने टिक करके आपको यहाँ पे बताए हैं। एटमान मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में किसके साथ मिलता है, तो ब्रह्मांड के साथ मिलता है। हिंदू दर्शन में जन्म और मृत्यु का चक्र का अर्थ क्या है, यहाँ पर आएगा संसार से मुक्ति। आर्था के पुरुषार्थ में के प्रमुख क्या है, आंसर आएगा सामग्री कल्याण, ठीक है। बात करते हैं रथ की पहियों की तुलना में क्या प्रतीत कराता है, तो लक्ष्यों की सामर्थ्य। ये कुछ क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहे हैं इसमें भैया, दो दो पेज एक्स्ट्रा क्यों देखने को मिल रहा है, ये व्यक्तिगत भी क्वेश्चन आपने किया था सोल्व, हाँ यहाँ से देखो फिर से सही आ रहा है। त्याग शब्द का उत्पत्ति संस्कृत रूट त्याज से है, आंसर आएगा बी यज है ना। त्याग का मौलिक दार्शनिक पक्ष क्या है, भौतिक दुनिया के मोह को पार करना। त्याग से विदा कैसे है, यह त्याग के एक मौलिक पहलू है, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, त्याग का अंतिम लक्ष्य क्या है उपनिषदों के अनुसार, तो ब्रह्म से एकता इसका आंसर रहने वाला है।
त्याग में समय के लिए क्या छोड़ने की प्रेरणा करता है? तो अनित्य पीछा आपका छोड़ने की प्रेरणा करता है। त्याग का अंतिम लक्ष्य क्या है उपनिषदों के अनुसार? यहाँ प्रायगत जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। तो देखो भैया, यहाँ पे आंसर अलग अलग रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, त्याग के सामर्थ्य क्षेत्र में जीवन का अर्थ क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आध्यात्मिक बढ़ावर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो गए। ईशा उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? आंसर आएगा अंतरात्मा का आत्मता, है ना, अंतरात्मा की आत्मता। ईशा उपनिषद में भोग शब्द का क्या अर्थ है? भौतिक दुनिया का आनंद। श्लोक 6 व 7 में उपनिषद ने कौन कौन सी अवधारणा पेश की है? आंसर आएगा कर्म। आपको आंसर देखने को मिलेगा कर्म, है ना। ईशा उपनिषद के अनुसार धन और आनंद की प्राप्ति को कैसे अनुभवित करना चाहिए? यहाँ पर अविच्छेद से और सतर्कता के साथ में करना चाहिए। ईशा उपनिषद द्वारा किस दृष्टिकोण से क्रिया की जाती है? वैदिक दर्शन के माध्यम से। लैंग्वेज काफी हार्ड है भैया इस पेपर की। ईशा उपनिषद किस वेद में है? यजुर्वेद में है। ईशा उपनिषद के अनुसार परिणामों से आसक्ति के बिना क्या किया जाना चाहिए? यहाँ पर कर्तव्य है। ईशा उपनिषदों में सामग्रियों के संबंध में मुख्य संदेश क्या है? सामग्रियों की अस्थायीता को पहचानो, उसे अलगाव के साथ प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पर उपनिषद भौतिक प्रॉपर्टियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती है? आंसर आएगा कर्तव्य और अलगाव के साथ में, ना। ईसा उपनिषद का स्थान रखा गया किस वेद में? यजुर्वेद में। ये फिर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। पुरुषार्थ में व्यक्तिगत विकास के पुसुइट से क्या होता है? पूर्ण और उद्दीपक जीवन होता है। आंसर आएगा सी। पुरुषार्थ के संदर्भ में होलिस्टिक विकास में भावनाएं और आनंद क्या है? आंसर आएगा बी, भावनात्मक सहन शक्ति को पोषित करना। फिर से क्वेश्चन है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पुरुषार्थ के काम के बारे में कौन सी बात है? भावनात्मक सहन शक्ति को पोषित करना, इस तरह ध्यान रखें, भावनात्मक सहन शक्ति को पोषित करता है। अगला क्वेश्चन से भैया, यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी बड़े क्वेश्चन है ये आपकी थ्योरी जब क्लियर होगी तभी आएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आप सही भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कितना ही आप देख जाओ जाए। पुरुषार्थ के काम के बारे में कौन सी बात सही है? ये फिर से रिपीट हो गया, भावनात्मक सहन शक्ति को पोषित करता है। इसलिए मैं बीच बीच में आपको वापस से क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, है ना। हिंदू धर्म में धर्म का प्रमुख अर्थ क्या है भैया? यहाँ पर कर्तव्य आपका आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है भैया, हिंदू दर्शन में धर्म का प्रमुख अर्थ क्या है? आंसर आएगा कर्तव्य, है ना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शास्त्र में धर्म का विस्तृत विवेचन होता है? महाभारत में होता है भैया। और हिंदू दर्शन में वर्णाश्रम धर्म का क्या अर्थ है? जाति आधारित कर्तव्य होते थे जिस कारण से यह वर्णाश्रम धर्म रहा। धर्म के कौन कौन से पहलुओं में यथार्थता और नैतिक कर्तव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है? सामान्य धर्म से रिलेटेड है। सनातन धर्म का क्या महत्व है? शाश्वत आदेश, इससे रिलेटेड आंसर आएगा। हिंदू दर्शन में धर्म के संबंध में अहिंसा की क्या भूमिका है भैया? तो अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। रित शब्द का अर्थ धर्म के संदर्भ में क्या है? यहाँ पर ब्रह्मांडीय क्रम के अनुसार आपको आंसर देखने को मिलेगा धर्म के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, साधारण धर्म के अवधारणा को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण पाठों को किस पुस्तकों में पाया जाता है? तो आंसर आएगा महाभारत और भगवद गीता, दोनों आंसर इसके रहने वाले हैं। साधारण धर्म को कैसे वर्णित किया गया है? आंसर आएगा सामान्य व सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर चलते हैं, महाभारत और भगवद गीता में साधारण धर्म कैसा है? तो गतिशील और परिप्रेक्ष्य आधारित रहने वाला है। साधारण धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्तव्य और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, ये तो आपने भी देखा ही होगा, पढ़ा होगा। महाभारत और भगवद गीता में आपद धर्म का क्या अर्थ है? परिस्थिति के आपातकालिक कर्तव्य जो होते हैं, जो तुरंत जीवन के काम होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। महाभारत में आपद धर्म का क्या केंद्रीय विषय है? आंसर आएगा आपातकालिक कर्तव्य। महाभारत में पात्र कब आपद धर्म को आमंत्रित करते हैं? जब नैतिक दुविधा और आपातकाल में, जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है तब, है ना। साधारण धर्म को आपद धर्म के परे चुनने में क्या नैतिक परिणाम है? यहाँ पर आएगा आंसर नकारात्मक नैतिक परिणाम। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी ये सीरीज में सारे बना रखे हैं इन्होंने। हिंदू परंपरा में मनुस्मृति को मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? भी आएगा कानूनी और नैतिक मार्गदर्शन के लिए। ये ऐसे पेपर नेट में देखने को मिलते हैं, नेट के एग्जाम देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को लैंग्वेज काफी हार्ड करने के यहाँ पे दिया गया है। कैसे कनाडा के न्याय धर्म सूत्र धर्म के समझने में योगदान करते हैं? तर्कशास्त्र प्रमाणिक साधारणों की प्रधान करके। कनाडा के अनुसार नैतिक कर्तव्यों का स्वभाव क्या है भैया? वे धारित नैतिकता के वैशिष्ट्यों पर आधारित होते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, कनाडा में के धर्म में संधान का मुख्य विषय क्या है भैया? तर्क को नैतिक कर्तव्यों के साथ मिलाना इनका कर्तव्य रहा है। कनाडा के दार्शनिकता में धर्म का महत्व क्या है? नैतिक कर्तव्य और नैतिक दायित्वों की सूची। सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मनुस्मृति में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के वर्गीकरण का क्या महत्व है? यह वर्ण व्यवस्था का एकीकरण करता है। मनुस्मृति से सामाजिक आचार्यों को आकार देने में योगदान करता है। तो आंसर आएगा कठिन कानूनी सजाएं लगाकर। मनुस्मृति के किस पहलुओं में नैतिक व्यवहार का मार्गदर्शन किया जाता है? आंसर आएगा बी, कर्तव्यों का वर्गीकरण। देखो काफी विद्यार्थी कहेंगे कि समझाना भी चाहिए था, केवल क्वेश्चन से आप बता रहे हैं। तो देखो भाई, इतना समय है नहीं अभी,
और यहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है और कल आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए आपको केवल कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पास सीरीज अवेलेबल नहीं है इसकी, केवल कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, पढ़ना आपको है। ध्यान रखें, हिंदू परंपरा के संदर्भ में मनुस्मृति की क्या भूमिका है, आंसर आएगा यहाँ पर नैतिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। मनुस्मृति के अनुसार कर्तव्य और जिम्मेदारी कैसे तय होते हैं, आंसर आएगा बी वर्ण व्यवस्था के अनुसार। भैया मनुस्मृति कैसे नैतिक आचरण की अवधारणा करता है, इसके महत्व की जोरदार बढ़ावा देखकर ऐसा होता है। रामायण को धर्म की अवधारणा के संबंध में महत्व क्या है, आंसर आएगा ए यह धार्मिक जीवन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जो मोस्ट आने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर मनुस्मृति के संदर्भ में धर्म शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, यहाँ पर आएगा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य। क्लासिकल हिंदू दर्शन के अनुसार धर्म की अवधारणा को पार करने वाला परम लक्ष्य क्या कहलाता है, आंसर आएगा बी मोक्ष। उपनिषदों के संदर्भ में धर्म के लिए प्रमुख ध्यान क्या है, आंसर आएगा बी दर्शन शास्त्रीय अन्वेषण, है ना। उपनिषदों में धर्म का महत्व क्या होता है, नैतिक और ब्रह्मांडीय क्रम, है ना। उपनिषदों में धर्म का अन्वेषण किस दृष्टिकोण में नहीं किया जाता है, आंसर आएगा ए रिवाज और समारोह। उपनिषदों में सामाजिक संबंधों के संदर्भ में धर्म की भूमिका क्या रही है, तो यहाँ पर आएगा यह सहमति और समस्ता को प्रोत्साहित करता है। इस तरीके से ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, मैं ऐड कर देता हूँ सेकंड वाला पार्ट इसमें। हाँ, तो इसका पार्ट सेकंड हम देख रहे थे, उपनिषदों में धर्म और परम वास्तविकता के बीच का संबंध कैसा है, यहाँ पर धर्म परम वास्तविकता के अनुमोदन को लेके जाता है, इस वजह से इसका संबंध ऐसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मोक्ष की अवधारणा में क्या महत्वपूर्ण भैया भारतीय दर्शन में, आंसर आएगा संसार से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में कल्प शब्द का क्या अर्थ है, आंसर आएगा संसार की चक्रवर्ती। हिंदू दर्शन में धर्म का समकालीन समझ क्या है, आंसर आएगा बी गतिशील और विकसित। धर्म के समकालीन व्याख्यान में क्या महत्वपूर्ण है, आंसर आएगा गंभीर विचार और पुनर्व्याख्यान। धर्म के समकालीन व्याख्या में क्या है, गंभीर विचार और पुनर्व्याख्यान। अगला क्वेश्चन है भैया, हिंदू दर्शन में धर्म के मौलिक सिद्धांत क्या है, आंसर आएगा कर्तव्य और धार्मिकता। यह धर्म हिंदू धर्म दर्शन में धर्म के मौलिक सिद्धांतों में आता है। अगला क्वेश्चन है भैया, हिंदू दर्शन में धर्म की संक्षिप्त परिभाषा क्या है, तो कर्तव्य धर्मनिष्ठता, अपने धर्म के बारे में सारी चीजें जानना, उसके प्रति कार्य करना, ये सभी इसके अंदर आती हैं। यहूदी धर्म में धर्म के समान अवधारणा क्या है, भैया यहाँ पे हलाखा आंसर आएगा। हिंदू धर्म में धर्म के समान कौन सा शब्द है, यहाँ पर आएगा जकात। जैन धर्म में धर्म के मौलिक सिद्धांत का क्या नाम है, अहिंसा नाम है, ध्यान रखें। ईसाई धर्म में कौन सा सिद्धांत धर्म की अवधारणा के साथ संरेखित है, 10 आदेश। बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म में धर्म के समान नैतिक संहिता का शब्द क्या है, यहाँ पर विनय आएगा नैतिक संहिता के लिए। हिंदू धर्म में धर्म का कौन सा पहलू ताओवादी अवधारणा के समान है, यहाँ पर वू वेई आंसर आएगा। जैन दर्शन का मुख्य अध्याय क्या है भैया, अहिंसा रहेगा। किस ऐतिहासिक व्यक्ति को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, महावीर को माना जाता है। जैन धर्म में जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रवात को क्या नाम दिया गया भैया, संसार नाम दिया गया है। जैन धर्म में जीव शब्द का अर्थ क्या है, आंसर आएगा बी आत्मा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कौन सा एक पंच महाव्रत है, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य इसके आंसर आएगा। और जैन नैतिकता में अहिंसा का क्या महत्व है, आंसर आएगा हिंसा से बचाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पंच महाव्रत में सत्य के महत्व को किसके रूप में बताया जाता है, सत्य के रूप में ही बताया जाता है। जैन शब्द के में अपरिग्रह असंबंध का व्रत क्या है, तो यहाँ पर अपरिग्रह ही आंसर आएगा। जैन धर्म में आत्मिक विकास कितने स्तरों पर बल दिया जाता है, 3 स्तरों पर बल दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैन धर्म में पंच महाव्रत किसे कहा जाता है, पंच महाव्रत को कहा जाता है। पंच महाव्रत में कितने व्रत शामिल हैं भैया, 5 शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन नैतिकता किस साहित्यिक संबंध में है, आंसर आएगा निर्देशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्काम कर्म योग का विस्तार से विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है, आंसर आएगा भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है भैया, निष्काम कर्म योग का मुख्य ध्यान क्या है, आंसर आएगा सी निस्वार्थ सेवा। अगला क्वेश्चन है, निष्काम कर्म योग में निष्काम शब्द का क्या सूचित करता है, यहाँ पर आलस्यपूर्ण यह सूचित करता है, निष्काम आलस्य को सूचित करता है। कर्मयोग का प्रमुख ध्यान क्या है, आंसर आएगा निस्वार्थ क्रिया। कर्मयोग के संदर्भ में निष्काम शब्द क्या सूचित करता है, परिणामों से दूरी यह सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मयोग का प्रमुख लक्ष्य क्या भैया, यहाँ पर आंसर है मुक्ति और आत्म साक्षात्कार, यहाँ पर कर्मयोग का प्रमुख लक्ष्य है। कर्मयोग में क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, परोपकारी होती हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्याख्यान किए जाने वाले रूप में लोक संग्रह परमार्थ क्या कराता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सामाजिक सुधार। संघर्षों को हल करने के लिए गांधी का दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पर अहिंसात्मक प्रतिरोध आएगा। गांधी के अनुसार सत्याग्रह का परम लक्ष्य क्या है भैया, सत्य और न्याय की खोज आंसर आएगा। गांधी के दर्शन में अहिंसा का क्या महत्व है, अहिंसा को अपनाना इसका महत्व रहने वाला है। गांधी ने सर्वोदय का क्या अर्थ किया, यहाँ पर सार्वभौम उन्नति, यहाँ पर आंसर आएगा। लोक संग्रह के सिद्धांतों का प्राथमिक फोकस क्या रहा, सामाजिक समरसता इसका फोकस रहा। लोक संग्रह का एक समर्थन करता है भैया, ध्यान रखें, यहाँ पर आंसर आएगा बी विभाजन और भेदभाव का। लोक संग्रह प्राथमिक रूप से किस पर केंद्रित है, सामाजिक न्याय पर केंद्रित है ना। लोक संग्रह के सामुदायिक विकास सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या रहा है, सतत विकास।
लोक संग्रह के संदर्भ में समुदाय विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? समृद्धि से समृद्धि यानी लगातार आपकी समृद्धि रहे। वेदीय संग्रह में शब्द ऋतक क्या क्या संकेत है भैया? यहाँ पर आंसर आएगा धर्म। रीता सामंजस्य और यहाँ पर आंसर आएगा सत्य और कर्म, ये इसका कर्म रहने वाला है। और रीता का संस्कृत अर्थ क्या है भैया? यहाँ पर कर्म आंसर आएगा। प्राथमिक समरूपता के साथ जीने का समर्थन किससे है? रीता से है भैया। और वैदिक सूत्रों के संदर्भ में रीता के संबंध में क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है, ऋतु अल्स और यज्ञ आपको देखने को मिलेंगे। रीता का संबंध बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आंसर आएगा धार्मिक जीवन आपका आंसर आएगा। रीता और धर्म के बीच क्या संबंध है भैया? रीता धर्म का हिस्सा है। रीता से जुड़े मौर्य सिद्धांत ने निम्नलिखित में से क्या को महत्व दिया है? आंसर आएगा सत्यता और अखंडता को महत्व दिया है। रीता के मित्रता से समर्थन किया गया है भैया यहाँ पर सामाजिक कर्म की वजह से। और अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर मोक्षा ने के हिंदू दर्शन में क्या महत्वपूर्ण है? आंसर आएगा संसार से मुक्ति। पुरुषार्थ सामाजिक भलाइयों में कैसे योगदान करता है? आंसर ऐसी नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने में। युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण के उपदेश का प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर आएगा यहाँ पर सी अर्जुन। तो इस प्रकार आपके इंडियन वैल्यू सिस्टम का पूरा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, जो मोस्ट क्वेश्चंस बन रहे थे आपको बता दिया। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और केवल ये सिलेबस था जो मैंने बताया, उसमें सीरीज में जो क्वेश्चंस थे वही बताएं, मन से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं उठाए। एक कंटेंट के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ, आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल ही पेपर आएगा ध्यान रखें। और 40% नंबर आप पास करने के लिए फोकस करेंगे। थैंक यू।